शफीक बाप की हैसियत से, शफीक बाप थे वो, मुझे उन्होंने शहजादों वाली ज़िंदगी दी है और गोल्डन स्पून उन्होंने मुझे दुनिया की सारी आसाइशों से नवाजा। और उसके बाद उन्होंने मुझे साथ साथ वो लिबास भी सिखाए, जहाँ उन्होंने मुझे इतनी आसाइशें दी वहाँ पर यह भी सिखाया कि बेटा 30 दिन रोज़े भी रखने हैं, अपने आप को भूखा भी रखना है, लोगों से प्यार से बात भी करनी है, आजी भी सिखाई, अंसारी भी सिखाई, और साथ साथ ये भी बताया कि दुनिया में अगर कोई चीज़ है तो वो खिदमत खल्क है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और वो खुद भी करते थे और उन्होंने मुझे भी ट्रेन किया कि मैं लोगों की खिदमत करूँ और इंशाल्लाह मैं करूँगा। तो उन्होंने जो मेरी ट्रेनिंग की है वो यही की है कि हर चीज़ का दारोमदार नीयत पर होता है और नीयत का बहुत गहरा ताल्लुक इखलाक के साथ है। तुम अपना इखलाक अच्छा रखो, लोगों को तुम्हारी नीयत का पता चल जाएगा। इखलाक अच्छा रखने की, उनका खुद का इखलाक इतना अच्छा था, जिस तरह वो अपने फैन से मिलते थे, जिस तरह वो लोगों में निकलते थे, बात करते थे, मुझे तो पूरी दुनिया घुमा दी उन्होंने, अपने साथ हर जगह लेके गए हैं, ट्रैवलिंग करवाई है, सिखाया है ज़िंदगी क्या है। और मैं यही कहूँगा कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन आप सब लोगों को प्यार ने मुझे ये थोड़ा सा सब्र दिया है कि वो अब बहुत बेहतर जगह पर हैं, जिस जगह पर उनकी तस्वीर हुई है अब्दुल्ला सारा जी बाबा रहमत के मदार पर, और वहाँ पर हर वक्त उन पर लोग पढ़कर बचते हैं, उनको दुरूद पाक का विरद होता है, सूरह यासीन का विरद होता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा सुकून दे रही है। और आप लोगों ने मेरे लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मेरी फैमिली को मुझे सब्र दे और हम इस मुश्किल चीज़ में से निकल सकें।